हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन सस्टेनेबल फार्मिंग चैनल। दोस्तों दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज मैं कैप्सिकम के पॉली हाउस में हूँ। तो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे ये पड़ गई कि आज जब मैं सुबह उठा मैंने पॉली हाउस देखा, क्योंकि मतलब मैं कुछ टाइम से थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ, शेड्यूल चल रहा है मेरा, तो पॉली हाउस में टाइम देना मुझे मतलब काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो आज मैं आया तो मैंने देखा रिज़ल्ट, कि आप खुद ही देख सकते हैं, आपको दिखा दूँ मैं किस तरह से लग गए हैं। इस हालांकि ज़्यादा नहीं लगे हैं, थोड़े ही स्टार्टिंग ही है इनकी। अगर इन्हें अभी कंट्रोल कर लिया तो मतलब बच जाओगे, फसल बच जाएगी। अगर नहीं कर पाए कंट्रोल तो भाई सब उड़ जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ भी फंस चुका है। यह है तीला, तीला बोला जाता है इसे हिंदी में। तो अभी कर तो दिया मैंने नीम ऑयल बेस्ड स्प्रे इस पर, अब रिजल्टेंट तो इसका शाम तक ही पता लगेगा ये कितना कारगर है इस पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ आगे भी लगे हुए हैं, मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत लग गया है, मतलब आगे बढ़ने की कोशिश है इसकी। देख सकते हैं आप यहाँ पर इस पत्ते पे लगा हुआ है, यहाँ पर स्टार्टिंग है इसकी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर आगे आगे को जितना आगे जाऊँ मैं उतना अभी नहीं फैला हुआ है, ये यहाँ पर लगा ही नहीं है ये। तो दोस्तों इसका यही है कंक्लूजन कि जितनी जल्दी हो सके कंट्रोल कर लो, नहीं तो फिर फसल बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी इसकी हार्वेस्टिंग भी स्टार्ट हो चुकी है मेरी, देख सकते हैं आप फ्रूट भी लग चुके हैं, काफ़ी हद तक फ्रूटिंग आ रही है। अभी कल ही इसकी हार्वेस्टिंग की हमने, तो इसमें भी जो आपको फ्रूट से कम दिख रहे होंगे। तो मार्केट में भी भाव इसका ठीक चला है आज के टाइम, जो हमें मिल रहा है एवरेज अभी 45 रुपीज़ पर केजी जा रहा है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये पॉली हाउस एक ऐसा काम है जिसमें आपको कंटिन्यूसली मतलब डेली विज़िट करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी तरह थोड़ी चूक हो गई तो फिर उसमें प्रॉब्लम खड़ी कर देगा वो, ये प्रॉब्लम होती है इसमें। तो इसलिए अपना टाइम दीजिए, जिसके पास भी जो भी पॉली हाउस है, जो भी कर रहे हैं वेजिटेबल कर रहे हैं, डेली विज़िट कीजिए और देखिए कि क्या प्रॉब्लम है। अब इसमें मुझे एक और प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो ये इसमें नई प्रॉब्लम आ गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है इसमें। तो मैं यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर रहा था अभी, क्योंकि पिछले कल हालांकि संडे था तो कर नहीं पाया। तो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर हालांकि कुछ फंगस टाइप जमा हुआ है इसमें, तो मे भी हो सकता है इसी की वजह से या ओवर पानी की वजह से हो सकता है, ज़्यादा पानी दे दिया हो इसको तो इसकी वजह से भी हो सकता है। एक दो टोटल अभी तक अबाउट मेरे 5 प्लांट्स ऐसे डैमेज हो चुके हैं, लेकिन अभी दिख नहीं रहा मुझे कि कहीं और ज़्यादा हुए हैं, हार्डली 4-5 प्लांट्स पे असर हुआ है अभी इसका। मैं यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके पता करूँगा क्या प्रॉब्लम है ये। तो फिलहाल आज तक के लिए इतना ही है। और दोस्तों जो भी दोस्त जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, किया हुआ है और कर रहे हैं, थैंक्स फॉर दैट। और यही बोलूँगा, शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़। मिलेंगे नए वीडियो के साथ जल्दी, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।